दो बगीचा तैयार हो रहा है दर्शकों। ये छोटे छोटे पौधे थे, अभी देखिए कितना बड़े हो चुके हैं। और नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज फिर से नए जोश, नए उत्साह और नई उमंगों के साथ एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अभी 10 बजने वाले हैं और हम अपने बगीचे के साइड जा रहे हैं। आज का मौसम देख सकते हैं दर्शकों, है ना, ऊपर हल्के फुल्के बादल भी हैं, काले काले बादल और ज़्यादातर सफ़ेद बादल हैं। सफ़ेद बादलों की वजह से देखिए कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है आसमान, है ना। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं में धान के खेत इस तरीके से लहलहा रहे हैं। देखिए क्योंकि पत्तियाँ भी बहुत ही जोरदार तरीके से हिल रही हैं और इस तरीके से नेचर वाइब चल रहा है। हम जा रहे हैं बगीचे, बगीचे में जाएंगे और कल जो घास निंदाई वाला काम अधूरा छोड़ दिए थे उसी को जाकर कंप्लीट करेंगे। 2 घंटा तो काम करेंगे, 12 बजे से फिर खाना खाने के लिए घर आएंगे, तो 2 घंटे का शेड्यूल है। चलो जल्दी बगीचे के अंदर चलते हैं और काम करने स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं दर्शकों, इधर कुछ हफ्ते पहले धान की बुआई कर रहे थे, धान की रोपाई कर रहे थे और किस तरीके से अभी धान के खेतों में धान के बीज बड़े होकर पौधों में बदल चुके हैं और किस तरीके से लहलहा रहे हैं देख सकते हैं आप। आगे में धान की रोपाई हुई थी तो पहले से ही बड़े थे, लेकिन यहाँ जो खेत देख सकते हैं ये वाला, इनमें धान की बुआई हुई थी और देखिए कितने बड़े हो चुके हैं धान के पौधे, किस तरीके से लहलहा रहे हैं, है ना। ये सब सीन है दर्शकों, दर्शकों इधर ये रहा रोपाई वाला धान, ये हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। और इस साइड 2 बगीचा तैयार हो रहा है दर्शकों, और जोरों शोरों से घेराव बना रहे हैं और 2-3 हफ्तों में पूरा घेराव दिखने लग जाएगा आप लोगों को। इस साइड घेराव बन रहा है और सूरज भगवान भी अपनी किरणें बड़ी ज़ोरदार तरीके से फैला रहे हैं। काफ़ी गर्मी लग रही है और इसी गर्मी में धूप में अपने को भी काम करना है। ये अपना बगीचे का दरवाज़ा पहुंच चुके हैं, तो ये रहा चाबी, चाबी लगाते हैं ताले में। ये खुल गया लॉक, ये डंडियों को ऐसे गिरा देने का, इसको खींच के ऐसे निकालने का और चाबी को यहीं अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे चल रहा है बोर अपना, पानी जा रहा है इन खेतों में और खेतों में पानी भर रहा है। चाबी को इधर कहीं सेफ जगह पे रख देते हैं, ये चाबी रखा गया यहाँ पे और हम अपना थैला रख देते हैं स्टूल पे और थोड़ी देर बैठते हैं फिर काम करने के लिए चलेंगे। और दर्शकों अपने पास ये देखिए उद्यान नर्सरी वाला बुक भी है, लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं हैं, यही दिक्कत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, देखिए अमरूद का गुटी लगाना है ना, इसके अलावा आम के पेड़ों में गुटी लगाना, लीची के पेड़ों में गुटी लगाना, बहुत सारा चीज़ है। ग्वार फली की सब्जियां कैसे लगाएं, लेकिन हम इसे पढ़ते ही नहीं हैं, यही तो दिक्कत है। देखिए बाहर से कितना बढ़िया लुक दिखाई पड़ रहा है, बाहर से देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। अपने को इसे पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ेंगे तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। दर्शकों यहाँ अपने बगीचे पहुँच कर हम ये जो अपना खाट बिछा हुआ है, इसी खाट में आधा घंटा इसी फेंकाए रहते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और खाना वाना खा के फिर वापस इसी खाट में
लेटने का काम होता है, फिर हम आधे घंटे बाद वापस काम करने के लिए जाते हैं। तो यही सब सीन है दर्शकों अपने बगीचे का, है ना। और टीन वाला अपना ये झोपड़ी बना हुआ है और ये अपना खाट। और दर्शकों अभी थोड़ी देर आराम हो चुका है, तो अभी फटाफट से हम अपना कपड़ा बदलते हैं, कपड़ा बदल के जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है, चलो। और दर्शकों ये देख सकते हैं हम अपना कपड़ा बदल चुके हैं, अभी फटाफट से पानी पकड़ते हैं इस बाल्टी में पीने के लिए, है ना। और चलते हैं उस खेत के पास जहाँ पे बरबट्टी लगाया गया है, ठीक है, वहाँ पे घास निंदाई वाला काम करेंगे, चलो। और दर्शकों हम पहुंच चुके हैं जो बरबट्टी और भिंडी लगाए हैं उस खेत के पास, तो अभी फटाफट से हम यहां जाते हैं और घास निंदाई वाला काम करते हैं, ठीक है, चलो। तो दर्शकों यहां से ऐसे घास को ऐसे पकड़ पकड़ के उखाड़ते जाना है अपने को। अभी 10:10 हो रहे हैं और हम 12 बजे तक ऐसे ही घास उखाड़ते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से पूरा सफाई करना है अपने को। ऐसे सफाई करेंगे तो ये जो भिंडी के पौधे हैं ये अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छे से फूलने लगेंगे, फलने लगेंगे, और यहाँ से भिंडी तोड़कर घर ले जाएंगे और घर में बनेगी ज़ोरदार भिंडी और बरबट्टी की सब्ज़ी, है ना। तो सही है, ये पौधे तब लगाए थे, है ना, जब धान की खेती कर रहे थे, हम चिखला कर रहे थे सारे के सारे खेतों में, इधर जितने भी खेत हैं चिखला कर रहे थे उस टाइम, ये छोटे छोटे पौधे थे, अभी देखिए कितना बड़े हो चुके हैं और फूलने फलने भी लग गए हैं। तो सही है, इसे अच्छे से सफाई कर देते हैं, सफाई करने के बाद एक बार फावड़े से कोड़ाई भी कर दी जाएगी, है ना, तो ये और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो सही है, अभी पहले घास निंदाई कंप्लीट करते हैं। दर्शकों अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ से देखिए हमने घास निंदाई वाला काम कंप्लीट करते 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 लास्ट तक गए हैं, और जितने भी घास हम यहाँ पे निंदाई किए उसको इधर किनारे में फेंकते गए हैं। तो इस तरीके से आज, है ना, एक टाइम पे इतना सफाई किए हैं। अभी हम फिलहाल पैर हाथ धोते हैं, खाना वाना खाएँगे और 2-3 बजे से फिर से यहाँ पर जो बच गया है घास निंदाई वाला काम उसे कम्प्लीट करेंगे, है ना। और मेरा इधर चेहरा देख सकते हैं पसीने से भीगा हुआ है, और हम काम करके काफ़ी थके हुए हैं। तो अभी जल्दी से जाते हैं बोर के पास, वहाँ पे पानी में पैर हाथ धोएंगे और पैर हाथ धोने के बाद हम चलेंगे घर, घर में खाना वाना खा के आएंगे, ठीक है, चलो। दर्शकों अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम अपने बगीचे जा रहे हैं, खाना पीना हो चुका है, अभी बड़ी तेज़ धूप पड़ रही है। अभी चलिए पहुँचते हैं 10 मिनट में बगीचे के अंदर, फिर आधा एक घंटा मस्त मूवी देखेंगे, मूवी देखने के बाद काम करने के लिए फिर से हम चलेंगे खेतों के पास जहाँ पर बरबट्टी लगा है। दर्शकों अभी दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और हम 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद वापस काम करने के लिए जा रहे हैं। इस बोतल में अभी पानी लेकर जा रहे हैं, अभी तुरंत पहुँचते हैं खेत के पास और वहाँ पर घास निंदाई करेंगे। गर्मी भी काफ़ी लग रही है दर्शकों, और हम ब्लैक टी शर्ट भी पहन लिए हैं, अपने को टी शर्ट निकाल के काम करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो चलो, इधर का घास निंदाई तो सुबह टाइम कर लिए थे, लास्ट का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, और इधर बीच में 2 लाइन बचा हुआ है, उधर 2 लाइन कल शाम को निपटा दिए थे, अब बीच का 2 लाइन बचा है उसे कंप्लीट करेंगे, इधर का लास्ट का, है ना। सही है,
दर्शकों, अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पे पूरा जो घास निंदाई वाला काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। इधर का भी कम्प्लीट हो चुका है और इधर का भी कम्प्लीट हो चुका है। देखिए, घास निंदाई कर करके इकट्ठा करते गए हैं, अभी उठा के साइड में फेंक देंगे, है ना। तो इस तरीके से काम हुआ है दर्शकों। पर काले काले बादल भी छाए हुए हैं, हो सकता है 20-25 मिनट में बारिश भी हो जाए। दर्शकों, यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। कल शाम को हम यहाँ पे 2 घंटा काम करे थे, 3:30 से वही 5:30 बजे तक, ठीक है। और आज सुबह काम किए 2 घंटा 10 से 12, और अभी 3:30 बजे से आए हुए थे, 3:30 नहीं 3:15 बजे से आए हुए थे, अभी 4:30 बज रहे हैं। मतलब 5 से 5:30 घंटे में यहाँ पर जितना भी घास निंदाई वाला काम था उसे कंप्लीट कर दिया है। और अभी इधर बादल भी गरज रहे हैं, सुन रहे हैं आप? तो ये बादल जो है हमें डरा रहे हैं कि सच में बारिश करवाएंगे तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बारिश होगा तो बारिश का भी सीन दिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल अभी हम यहाँ इस बोतल से पानी उठाकर पीते हैं जी, क्योंकि इतना काम करने के बाद अपने को प्यास तो लगना ही है, है ना। हालांकि एक बार मैं पानी पी लिया था, आप लोग को दिखाने के लिए एक बार और पी लिया, ठीक है। चलिए, काफ़ी थक गए हैं तो अभी पैर हाथ धो के आराम करते हैं। और दर्शकों, देखते ही देखते देखिए काले काले बादल ऊपर आसमानों में आ चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। सूरज भगवान अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में सूरज भगवान भी बादलों के पीछे आ जाएंगे और बारिश होगी झमाझम। इधर देखिए दर्शकों, इन बेलों में यहाँ पे करेला फला हुआ है, इधर ये खीरा है ना, एक और खीरा है देख सकते हैं, तो सही है। यहाँ से हम 2 खीरा तोड़ सकते हैं, कल 500 की डेट में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर से तोड़ लेंगे। दर्शकों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और सूरज भगवान इधर डूब चुके हैं, ठीक है। और दर्शकों, बारिश जो है 15-20 मिनट ही हुई। पहले तो मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश होगी करके, है ना, क्योंकि बादल खाली गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन अभी ये सिचुएशन पूरा उल्टा हो गया है ना, बादल जो हैं गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, लेकिन बहुत कम टाइम तक बरसे, है ना, 15-20 मिनट ही बरसे। बाकी अभी देखिए पूरा मौसम साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो दर्शकों, आज का काम धाम तो कुछ इस तरीके से रहा। जो घास निंदाई वाला काम था उसे पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, अब कल के डेट में और कुछ करेंगे। फिलहाल आज का काम तो यही रहा दर्शकों, और इस काम में हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग को भी ये हमारा काम अच्छा लगा होगा। तो चलिए दर्शकों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे, दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता कराएं। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।